हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 6 बज रहा है और अभी हम लोग निकल गए हैं मथुरा वृंदावन के लिए। और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अभी हम लोग दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पर हैं। सुबह के 6 बजे हम लोग गुड़गांव से निकल चुके थे और अभी 8 बजने वाले हैं और कुछ ही देर में, आधा एक घंटे में हम लोग मथुरा पहुँच जाएंगे, क्योंकि गुड़गांव से मथुरा जाने में 2.5 से 3 घंटा लगता है। अभी 9 बज रहे हैं और हम लोग मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पहुंच चुके हैं। गाड़ी को पार्किंग में लगा दिए हैं। इस मंदिर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना अलाउड नहीं है। गेट पर ही मोबाइल, घड़ी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है जमा हो जाता है। तो बाहर से ही थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर लिया है। अब हम लोग मोबाइल जमा कर देते हैं। कृष्ण का कारागर बहुत ही सुंदर लगा। अंदर से हम लोग आ गए हैं तो अभी हम लोग डायरेक्ट होटल आए हैं, क्योंकि होटल पहले से ही बुक था। अगर आप लोग पहले से बुक नहीं करते हैं तो यहाँ पर आकर के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नंबर मेंशन कर दूंगी, अगर आप होटल अच्छा और सस्ते में लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन ही बुक कराया था तो हम लोग को यहाँ पर ढूंढना नहीं पड़ा। अगर ऑनलाइन नहीं लेते हैं तो यहाँ पर आ करके भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, पहले से ही बुक हो जाता है रूम, तो कोई ज़रूरी नहीं कि फिर यहाँ आने के बाद रूम मिल जाए, तो इसीलिए ऑनलाइन ही अच्छा रहता है। मुझे ये होटल बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सस्ते में, इसलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ताकि आप लोगों को भी कुछ हेल्प हो सके। होटल के जितने भी ट्रस्टी हैं सभी का यहाँ पर नाम मेंशन किया हुआ है और मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर रिसेप्शन एरिया है। हम लोगों का रूम फर्स्ट फ्लोर पर है, तो अभी फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं, उसके बाद रूम भी दिखाऊंगी और उसका रेट भी बताऊंगी कि कितने में हमने लिया है। और यहाँ पर बड़ा सा आंगन है और ये सामने, यहाँ पर लंच, डिनर, नाश्ता भी मिलता है। और जितना में आप होटल बुक करते हैं उसी में सब इंक्लूड है। तो चलिए अभी हम लोग रूम के अंदर चलते हैं और देखिए कितना बड़ा सा आंगन है। बहुत ही अच्छा होटल है। होटल का नाम है श्री शिव कृष्णा सेवा और यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर है, तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको होटल लेना है तो। रूम के साथ साथ यहाँ 3 टाइम का खाना भी मिलेगा और खाना भी अच्छा रहता है। अगर आप होटल के ट्रस्टी के द्वारा होटल बुक कराते हैं तो आपको कम रेट में मिल जाएगा, तो हम लोग को होटल के ट्रस्टी के द्वारा ही बुक था। अगर आप यहाँ पर आकर रूम ढूंढेंगे तो रूम भी जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग के आने के बाद काफ़ी लोग आए थे पर रूम खाली नहीं था। और ये होटल प्रेम मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, रेड लाइट के पास। तो ये है हम लोगों का रूम। अब चलते हैं अंदर, एक रूम उधर और एक ये है। और इसमें 2 बेड है, एक डबल बेड और एक सिंगल बेड है। रूम भी काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर देखिए रिद्धि कितना खुश है, बहुत खुश हो रही है कि मेरा अलग एक सिंगल बेड मिल गया है। और यहाँ पर मिरर है और ये है टीवी और यह है विराज और ये मिठाई लेकर आ गए। अब चलिए बालकनी दिखाते हैं। और ये है बालकनी, बालकनी का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। तो देखिए गेट खोलते हैं तो देखिए बालकनी से बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है। ये रूम हम लोगों का होटल के ट्रस्टी के द्वारा बुक हुआ था, तो हम लोग को 900 में मिल गया एक रूम और इसी में 3 टाइम का खाना भी, लंच, डिनर और नाश्ता। इतना कम रेट में इतना अच्छा होटल मिलता नहीं है जल्दी, तो हम लोगों का होटल के ट्रस्टी के द्वारा बुक हुआ इसीलिए मिल गया। अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो मैंने फ़ोन नंबर मेंशन कर दिया है, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग लंच करने आए हैं।
क्योंकि होटल में हम लोग 2 बजे के बाद आए थे, तो 2 बजे के पहले होटल में लंच हो जाता है, इसलिए हम लोग को बाहर आना पड़ता है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और अभी जहाँ भी जो भी मंदिर में जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि दो वक्त की छुट्टी की वजह से बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गया। तो इस तरीके से कभी भी दो अगर किसी भी रीजन में वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते किसी अच्छे से वीडियो के साथ। थैंक यू।